काश हमारे भारत में सब लोगों को ये समझ में आ जाए तो हम अपने भारत में से गरीबी को पंख लगाकर उड़ा देंगे, इसको फिर से सोने की चिड़िया बनाने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ कोई गरीब नहीं रहेगा, तो हम भारत वाले पूरी दुनिया की गरीबी को काट के इस धरती को स्वर्ग बनाने के लायक हो जाएंगे। अगर एक गुरु नानक जी का सच्चा सौदा सच दी वणज समझ आ गए, वणज करो वण जा रहे हो, वखर लियो संभाल, तैसी वस्त विसाई है जैसी निभ है ना, अग्गे शाह सुजाण है लैसी वस्त संभाल। द मोर वी डू इट द मोर वी आर सपोर्टेड एंड हेल्प्ड बाय गॉड। पर ऐसी की कर रहे हैं, जिन्ना रास ना सच है क्यों तिना सुख होए। असी सच कमाया ही नहीं है, असी सुखी है नहीं, असी किसी नु सुखी कर नहीं सकते क्योंकि आप दुखी हैं। जिन्ना रास ना सच है क्यों तिना सुख होए, खोटे वणज वणंजे हैं मन तन खोटा होए। साडा मन खोटा है, तन भी खोटा हो गया क्योंकि असी खोट का बिजनेस कर रहे हैं अवगुणा का। चारों पासे लूट खसूट करके एक भोजन करा दिता गरीबां नूं, है खोट का भोजन है, इहदे नाल उहनां दी एक दिन भुख मिटेगी, जिंदगी भर की भुख नहीं मिटेगी। जिहड़ा सच का भोजन खुआवांगे ना, जो गुरु नानक साहिब तों अज असीं समझ रहे हैं, तां फिर हमेशा लई कमाण जोगा हो जाएगा, रोज रोज हमारे दरवाजे पे खाने नहीं आएगा। खोटे वणज वणंजे हैं मन तन खोटा होए, फाही फाथे मिर्ग जीव। हिरन जिवें फस जाता है ना, दुख घणो नित्र फिर दुखी होते। असी इस तरह दुखी हाँ, सत्संगत उच्चा बोलना, साढ़े कोल आज खाण पीण दीआं 75 चीज़ां ने, तीन तीन फ्रिज ने भरे हुए ने ना, सही है सुर भरे हुए ना, फिर भी असं भुखे हाँ। भुखिया भुख ना उतरी जेबर ना पूरिया भार, कितना कुछ एम्पल मिल रहा है। एम्पल जो मिल रहे हैं ना, ये भी उनका जीनेटिकली मॉडिफाइड फूड है। वो टीके लगाई जा रहे हैं, किया टिंडा तोरी नू सेब नू ते सारिया तरबूज ते खरबूजे नू असी खाई जा रहे हैं, असी बीमार हाँ क्यों, हमको बहुत सारा चाहिए, वो बहुत सारी क्वांटिटी पैदा कर रहे हैं। खोटे बणज बणजे है हो रहे हैं ना, मातन खोटा हो रहा है, फसे हुए हैं मेरे पास, फाही फाथे मिर्ग जीव दुख कड़ो नित्रो। खोटे पोते ना पवे, पोते वड़ा खजाना, असी सच दे खजाने ना लड़ाए नहीं जा रहे। खोटे पोते ना पवे तिन हर गुर दर्श ना होए, सानू सच समझ नहीं आ रहा, सच देख नहीं पा रहे। खोटे जात ना पत है, खोट ना सीजे सोए, सीजे सुनता है कामयाब, सानू कामयाबी नहीं मिल रही। इंसान इंसान का दुश्मन बनिया हुआ है। पशु तो तुसी डिस्कवरी चैनल और प्लैनेट एनिमल एनिमल प्लैनेट पर देखते दे हो कि किस तरह एक जानवर एक शेर दूसरे घोड़े या उन्होंने गां या जीबरा मारद और सारे दूजे को खो के खाते हैं, बाकी और जानवरों को नज़दीक भी नहीं आने देते और आपस में भी एक दूसरे से लड़ के खाते हैं। असी इंसान होना तो बदतर हो गए हैं, कामयाबी नहीं मिल रही। खोट ना सीजे खोए, खोटे खोट कमावना आए गया पथ खोए, अपनी भी इज्जत गई साड़ी साहब दी और हर किसी की इज्जत लुट गई। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, जिस तरह तुसी एकाग्रता बनाई है ना, मैं थोड़ी धन्यवाद करना, इतनी एकाग्रता बनाई रखना ताकि सानू ये सच्चा सौदा आज समझ आ जाए। पर सच्चा सौदा समझ नहीं आ रहा और असी सुखी नहीं है क्योंकि असी पराया हक खा रहे हैं। हक पराया नानका उस सूअर उस गाय, पराया हक खा रहे तो दुखी हाँ, खोटे खोट कमावना है। हिंदू और मुसलमान मिलके पूछते हैं गुरु नानक जी,
गां खाना या सूर खाना पाप है? गुरु नानक साहब सिंपल जवाब देंगे, हक पराया नानका उस सूअर उस गाय, अगर तू पराया खाता ना गाय खा गया है, अगर तू पराया खाता ना सूर खा गया है। पराया हक, दुनिया का कोई भी इंसान पराया हक जदों खाता है ना, तां ना आप सुखी ना दूजे नूं सुखी कर सकता, आए गया पत होए। नानक मन समझाइए, गुर कै शब्द सलाह, सच दी सलाह लै लै, सच दा मशवरा लै लै। राम नाम रंग रत्या भार ना भरम तिना, भार किना चीज़ा दा होंदा है? गलत चीज़ा दा मन उत्ते भार होंदा है, सच दा भार नहीं होंदा। सच दे जितने गुण ले जाओ ना, धरती होर परै होर होर, तिस ते भार तलै कमल जोर, कुछ भी भार नहीं लगता उहदे थले, कोई भी जोर नहीं दे के रखना पैंदा कि कोई भारी चीज़ उपर रखी और इसको किसकी टेक रखेगी तो ये गिर जाएगी। तो अनेक धरतियां नूं उन्हों का पहा भार सहार सकता है। मीन्स एज मच इनफिनिट प्रॉब्लम्स का भार तू सहार सकता है, पर जे तेन निर्भार होना आता हो चंगे गुणा का भार नहीं होता और अवगुणा का मन उत्ते भार होता। जदों असी किसी को कहते हैं ना, मैं अपने मन की गल तेरे नाल कर रहा, करके ना मैं अपने मन का भार हौला कर रहा, मैंने ना अपना भार हल्का कर लिया तेरे को बता के, क्या किया था? बुरा काम किया था? अच्छा काम बता के तो कोई नहीं बोलता, मैंने अपने मन का भार हौला कर लिया। मन उते गलत चीज़ों का भार होता है। राम नाम रंग रत्या पार ना परम तिना, ना परम रहा ना पार रहा। जे असी सारी उम्र चंगे काम ही ना करते, इहदा मन ते पार हो जाता। इस करके लोकी जदों ऑफिस तो रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होने तो बाद थोड़े दिन कहते रहते हैं, मैं फलानी जगह अफसर था, मैं फलानी जगह इतना बड़ा था, मैं ये करता था, फिर कहते मैं इतना बिजनेस था, जब मैं बिजनेस करता सी इन्हें लखा करोड़ा कमाता सी, मेरी बैंकों नाल इन्नी रखी रखाई सी, लोकी मेरी दाब देंदे सी, ये सारिया गल्लां कर करा के ना जदों घर बैठ जाता है ना, सारी उम्र सच नहीं ना कमाया, फिर उदासीनता, डिप्रैशन, गल गल ते रोना अते अल्टीमेटली डैथ तो डरना शुरू करता है। वाई वी क्राई बिफोर डैथ, वाई वी क्राई वैन वी आर इन स्टेट ऑफ बुढ़ापा, क्योंकि उस वेले सच कमाया नहीं होता, मन उत्ते भार होता है। भरम सी एक भरम का पार मुक्का। सो असी हुण अगे वध रहे हां कि राम नाम रंग रत्या भार ना भरम तिना, हर जप लाहा अगला निरपो हर मन माह। एक तो असी डरे भी होए हां काचा तन कमा कमा के, काचा तन डज नॉट मीन मनी, काचा तन अवगुण, डेफिशिएंसीज, शॉर्ट कमिंग्स, अपनी मन की मत दे नकम्मे नकम्मे ख्यालों असी कमा कमा के उन्होंने कारण दुखी हाँ, तो असी इस करके डर गए डरे हुए। पर हर जप लाहा अगला, वी कैन बी बेनीफिटिड, प्रॉफिट बेअंत सानू हो सकता है। लाहा अगला, अगला होता टू मच, निरपो हर मन मा, दैन वी विल बी फीयरलैस। सो उस लाहे नू थावे खर्चा रल मिल पाई टोट ना आवे वर्दो जाए, सच्चा सौदा समझ लई गुरबाणी का पल्ला पकड़ रहे हैं।